सो हे व्हाट्सअप गाइज तो कैसे हैं आप सब तो उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और मस्त होंगे तो इस तरह का वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं तो आप लोगों को इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना होगा तब तो आपको वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाएगा नहीं तो नहीं आने वाला है तो चलिए वीडियो एडिट करना शुरू करते हैं तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए तो चलिए इसके लिए मैं अलर्ट मोशन अप्लीकेशन को ओपन कर लेता ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा तो यहाँ से इस प्लस के सिम्बॉल पर एक बार क्लिक कीजिएगा उसके बाद आप लोगों को अपने वीडियो का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से चलिए मैं नए अनुपात सोलह वाले पे क्लिक कर देता हूँ उसके बाद आप लोग को यहाँ से इस एरो पे क्लिक करना होगा और यहाँ से ब्लू कलर पे क्लिक कर देना होगा यहाँ पर दिख रहा होगा ब्लू लिखा हुआ तो ब्लू कलर पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद आप लोग को यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर लीजिएगा उसके बाद आप लोग को यहाँ से इस प्लस के सिम्बॉल पर एक बार क्लिक कर लीजिएगा उसके बाद आप लोग को यहाँ से मीडिया वाले आइकन पर यानी कि मीडिया वाले सिम्बॉल पर क्लिक कर लीजिएगा उसके बाद आप लोग को फ़ोटो को ऐड कर लेना होगा जिस फ़ोटो से वीडियो एडिट करना चाहते हैं तो सिंपल से फ़ोटो पे क्लिक कर लीजिएगा तो देख सकते हैं फोटो ऐड हो चुका है तो फो� फोटो को इस तरह से छोटा कर लीजिएगा तो छोटा करने के बाद आप लोग को अपने फ़ोन के बटन से बैक कर लीजिएगा उसके बाद फिर से आप लोगों को इस प्लस के सिम्बॉल पर एक बार क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ से मीडिया वाले सिम्बॉल पर फिर से क्लिक कर लीजिएगा उसके बाद आप लोग को एक पी को इसमें ऐड करना है तो सिंपल तो से पी एन जी एक बार क्लिक कर लीजिएगा तो देख सकते हैं यहाँ पर ऐड हो चुका है उसके बाद आप लोग को यहाँ से क्या करना होगा इस थ्री डॉट पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पर जो थ्री डॉट है करने के बाद आप लोग को यहाँ से फिल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा तो देख सकते हैं कि फुल स्क्रीन में हो चुका है उसके बाद आप लोग यहाँ से मूव एंड ट्रांसफर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से थर्ड नंबर पर क्लिक कीजिएगा तो थर्ड नंबर पर क्लिक करने के बाद अब ऐसे आप लोग को बढ़ा लेना है जितना बढ़ाना है अपने हिसाब से बढ़ा लीजिएगा देख सकते हैं कुछ इस तरह से अपने हिसाब से बढ़ा लीजिएगा बढ़ाने के बाद अब आप लोग को यहाँ से बैक कर लेना होगा एक बार तो बैक करने के बाद आप आप लोग को यहाँ से इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा तो इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद एड इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा सर्च वाले लोगो तो सर्च वाले लोगो पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद आप लोग को बॉक्स में लिखना है सी एच कुछ इस तरह से सी एच लिखिएगा तो आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा क्रोमा की लिखा हुआ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्रोमा की लिखा हुआ तो सिंपल से क्रोमा की वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा उसके बाद आप लोग को स्टैंडर्ड सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा उसके बाद आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा ग्रीन कलर तो इस ग्रीन कलर पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से ग्रीन कलर पे क्लिक कर लीजिएगा ग्रीन कलर पे क्लिक कर लीजिएगा उसके बाद अब आप लोग को इसे बड़ा घटा करके एडजस्ट करना है तो सिंपल से यहाँ से बढ़ाना है चलिए मैं इसे बढ़ा लेता हूँ तो आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा नंबर बढ़ रहा होगा इस तरह से बढ़ा करके ग्रीन कलर को पूरा तरह गायब कर लीजिएगा तो गायब करने के बाद अब आप लोग को यहाँ से एक बार कर लेना होगा बाइक तो बैक करने के बाद फिर से अपने फोन के बटन से बैक कीजिएगा और यहाँ से फोटो वाले लेयर पे एक बार क्लिक कर लीजिएगा करने के बाद अब आप लोग को फोटो को सही से एडजस्ट करना है फ्रेम के भीतर चलिए मैं फ्रेम के भीतर फोटो को सही से एडजस्ट कर लेता हूँ तो कुछ इस तरह से आप लोग फ्रेम के अंदर एडजस्ट कर लीजिएगा उसके बाद आप लोग को यहाँ से प्लस के सिम्बॉल पर फिर से क्लिक कर लीजिएगा एक बार क्लिक करने के बाद आप लोग को फिर से मीडिया वाले आइकन पर क्लिक करना होगा उसके बाद आप लोग को यहाँ से अपने फाइल को सेलेक्ट कर ले लीजिएगा चलिए मैं अपने फाइल पर क्लिक कर लेता हूँ जिस फाइल में मेरा लोगो है मैं इसमें एक लोगो को लगाना चाहते हैं अपने चैनल के लोगों को तो चलिए मैं अपने लोगों पे क्लिक कर देता हूँ देख सकते हैं यहाँ पे ऐड हो चुका है तो मैं इसे छोटा करके लोगों को एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे लोगो वाले जगह पे तो देख सकते हैं कि मैंने एडजस्ट कर दिया हो तो एडजस्ट करने के बाद अब आप लोग को इसे कर लेना होगा एक्सपर्ट यानी कि सेव तो सेव करने के लिए यहाँ पर जो कोना में तीर का लोगो दिख रहा होगा इस पर क्लिक कीजिएगा करने के बाद अब आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा लिखा हुआ यहाँ पे क्रिएट फ्रेम पी तो सिंपल से आप लोगों को इस पर एक बार टिक कर देना होगा टिक करने के बाद अब आप लोग को यहाँ पे एक्सपर्ट वाले पे क्लिक कर लीजिएगा तो एक्सपर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा तो एक्सपर्ट होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा तो यहाँ से आप लोगों को सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा और इसे सेव कर लीजिएगा देख सकते हैं सेव टू गैलरी हो चुका है उसके बाद आप आप लोग को यहाँ से क्लोज कर लेना होगा चलिए मैं क्लोज कर लेता हूँ क्लोज करने के बाद अब आप लोग को यहाँ से तीनों पर इस तरह से दबा के रखिएगा और टिक कर लीजिएगा टिक करने के बाद यहाँ से डिब्बा वाले सिम्बॉल पर क्लिक कीजिएगा और तीनों को डिलीट कर लीजिएगा डिलीट करने के बाद फिर से यहाँ से इस प्लस के सिम्बॉल पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से मीडिया वाले सिम्बॉल पर क्लिक कर लीजिएगा उसके बाद आप लोग को फिर से यहाँ से अपने फाइल को चूज़ करना है जिस फाइल में फ़ोटो आए जिस फ़ोटो को अभी आप लोगों ने इस्तेमाल किया है चलिए मैं अपने फाइल में जाता हूँ और यहाँ से फ़ोटो पे क्लिक कर देता हूँ फ़ोटो ऐड हो चुका है तो फोटो को ऐड करने के बाद आप लोग को फिर से यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक करना होगा उसके बाद आप लोग को यहाँ से फिल वाले ऑप्शन पे एक बार फिर से क्लिक कर लीजिएगा और फ़ोटो को फुल स्क्रीन में कर लीजिएगा करने के बाद इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से ऐड इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा उसके बाद आप लोग को फिर से यहाँ से सर्च वाले आइकन पे एक बार क्लिक करना होगा चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ उसके बाद बॉक्स में लिखना है जी ए यू इस तरह से लिखिएगा जी ए यू कुछ इस तरह से जी ए लिखी कुछ इस तरह से जी ए यू लिखिएगा तो आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा गोसियन ब्लर तो सिंपल से इस पर क्लिक कर लीजिएगा क्लिक करने के बाद अब आप लोग को स्टैंडर्ड सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा तो फोटो ब्लर हो जाएगा तो ब्लर को आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा जितना रखना चाहते हैं चलिए मैं इतना रख लिया हूँ पचास के आसपास देख सकते हैं जीरो पॉइंट जीरो फाइव जीरो इस तरह से मैं रख लिया हूँ रखने के बाद आप लोग को यहाँ से एक बार कर लेना होगा बाइक तो बाइक करने के बाद फ़ोन के बटन से कीजिएगा बाइक उसके बाद यहाँ से आप लोगों को इस प्लस के सिम्बॉल पर एक बार क्लिक कर लीजिएगा उसके बाद आप लोग को यहाँ से मीडिया वाले सिम्बॉल पर एक बार क्लिक कर लीजिएगा उसके बाद आप लोग को यहाँ से अपने फाइल को फिर से चूज़ करना है मैं इसमें एक इफ़ेक्ट वाली वीडियो को ऐड करना चाहता हूँ तो चलिए मैं जिस फाइल में इफ़ेक्ट वाली वीडियो है उस फाइल पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से इस वाले सिंबल पे क्लिक करके इफेक्ट वाली वीडियो को ढूंढ लेता हूँ तो सिंपल से मैं इफेक्ट वाले वीडियो पे एक बार क्लिक कर देंगे तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस हो चुका है तो यहाँ से आप लोग को दिख रहा होगा कोना में प्लस का सिम्बॉल तो प्लस के सिम्बॉल पर क्लिक कीजिएगा तो देख सकते हैं इफेक्ट वाले वीडियो ऐड हो चुका है तो इफेक्ट वाले वीडियो को ऐड करने के बाद इफेक्ट वाले वीडियो वाले लेयर पर क्लिक कर लीजिएगा यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा ब्लेंडिंग ऑपिसिटी तो सिंपल से इस पर क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा लाइट तो लाइट पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आप लोगों को स्क्रीन पे क्लिक कर देना होगा उसके बाद यहाँ से आप लोगों को बैक कर लीजिएगा तो बैक करने के बाद अब आप लोग को यहाँ से आप लोग को इस सिम्बॉल पर क्लिक कीजिएगा करने के बाद आप इसे जीरो कर लीजिएगा जीरो करने के बाद अपने फ़ोन के बटन से बैक कर लीजिएगा और फिर से एक बार बैक कर लीजिएगा उसके बाद शुरू में आ जाइएगा शुरू में आने के बाद आप लोग को फिर से इस प्लस के सिम्बॉल पर क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ से मीडिया पर क्लिक कर लीजिएगा तो मीडिया पर क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ से फिर से इस एरो पर क्लिक कीजिएगा एरो पर क्लिक करने के बाद आप लोग को अलर्ट मोशन वाले फाइल में चले जाना है उसके बाद आप लोगों ने अभी तुरंत जिसे सेव किया है उस पर एक बार क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा तो ऐड करने के बाद आप लोग को फिर से क्या करना होगा इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और यहाँ से एड इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा उसके बाद आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगा क्रोमा की लिखा हुआ देख सकते हैं यहाँ पे तो सिंपल से क्रोमा की पे क्लिक कर लीजिएगा क्लिक करने के बाद फिर से स्टैंडर्ड सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा उसके बाद आप लोग को यहाँ से क्या करना होगा इस जो ग्रीन कलर जो है यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ से ब्लू कलर पे क्लिक कर लीजिएगा चलिए मैं ब्लू कलर पे क्लिक कर देता हूँ क्लिक करने के बाद अब आप लोग को इसे बढ़ाना है आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा नंबर बढ़ेगा कुछ इस तरह से बढ़ा करके इसे हटा लीजिएगा देख सकते हैं कुछ इस तरह से हट चुका है ब्लू कलर उसके बाद अब आप लोग को यहाँ से बैक कर लेना होगा फिर से एक बार बैक कर लीजिएगा फोन के बटन से बैक करने के बाद अब आप लोग को यहाँ से इस लेयर पर क्लिक करना होगा फर्स्ट वाले लेयर पर क्लिक करने के बाद अब आप लोग को इफेक्ट वाले वीडियो के लास्ट में आ जाना है उसके बाद आप लोग को इस सिम्बॉल पर क्लिक कर लेना है इस सिंबल पे क्लिक कीजिएगा कि तो फोटो लास्ट तक हो जाएगा फ्रेम वाले देख सकते हैं कुछ इस तरह से उसके बाद आप लोग को फिर से शुरू में आ जाना है शुरू में आने के बाद फिर से आप लोगों को यहाँ से इस वाले लेयर पे क्लिक कर लेना है लेयर पे क्लिक करने के बाद फिर से लास्ट में आ जाना है फिर से लास्ट में आने के बाद फिर से आप लोगों को इसी सिंबल पे क्लिक कर लेना होगा तो ये भी लास्ट तक हो जाएगा इस तरह से कर लीजिएगा दोनों को बारी बारी से लास्ट तक उसके बाद फिर से शुरू में आ जाइएगा शुरू में आने के बाद फ़ोन के बटन से बैक कीजिएगा और प्लस के सिम्बॉल पर क्लिक कीजिएगा करने के बाद अब आप लोग को इस शेप पे क्लिक कर देना होगा क्लिक करने के बाद आप लोग को फिर से यहाँ से थ्री डॉट पे एक बार क्लिक कर लीजिएगा और इसे भी फिल कर लीजिएगा चलिए मैं फिल पे क्लिक कर देता हूँ फुल स्क्रीन में हो जाएगा उसके बाद आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा कलर एंड फिल तो इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आप लोगों को इस पर क्लिक कर देना होगा चलिए मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ क्लिक करने के बाद अब आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा पॉइंट पॉइंट इस पॉइंट को आप लोग को इस तरह से एडजस्ट करना है नीचे करना है उसके बाद ऊपर में भी पॉइंट है तो इसे भी आप लोग को नीचे कर लेना है देख सकते हैं कुछ तो इस तरह तो, से तो इस तरह से करने के बाद अब आप लोग को यहाँ से इस पर क्लिक करना होगा एक बार चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ से दो नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा करने के बाद अब आप लोग को इसे घटा लेना है इसे घटा लेना है पूरा नीचे तक इसे नीचे घट घटा लेना है पूरा कुछ इस तरह से देख सकते हैं ब्लैक कलर गायब हो चुका है उसके बाद आप लोग को यहाँ से कर लेना होगा बाइक चलिए मैं बाइक कर लेता हूँ पूरा एंड में आ जाना है एंड में आने के बाद फिर से इसी सिम्बॉल पर क्लिक कर लीजिएगा और इसे भी लास्ट तक कर लीजिएगा फिर से शुरू में आ जाइएगा शुरू में आने के बाद फिर से बैक कीजिएगा उसके बाद आप लोग को यहाँ से इस प्लस के सिम्बॉल पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से फिर से मीडिया वाले सिम्बॉल पर क्लिक कर लीजिएगा तो मीडिया पर क्लिक करने के बाद आप लोग को फिर से यहाँ से इस एरो पर क्लिक करना होगा और यहाँ से आप लोग को एक लिरिकल सॉन्ग को ऐड करना है तो जिस फाइल में लिरिकल सॉन्ग का होगा उस फाइल में जाइएगा और लिरिकल सॉन्ग पर क्लिक कर लीजिएगा तो यहाँ पे लिरिकल सॉन्ग ऐड हो चुका है तो कुछ इस तरह से बढ़ा करके जहाँ से लिरिकल सॉन्ग स्टार्ट होता है वहाँ पे आ जाइएगा आने के बाद अब आप लोग को यहाँ से लिरिकल सॉन्ग वाले लेयर पे क्लिक कर लीजिएगा क्लिक करने के बाद ब्लेंडिंग ऑफिसिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा डार्क इन लिखा हुआ तो डार्क इन पर क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ से मल्टीपल कर लीजिएगा तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से गायब हो चुका है लिरिकल सॉन्ग के पीछे वाले बैकग्राउंड उसके बाद आप लोग को यहाँ से बैक कर लेना होगा और इसे नीचे करके एडजस्ट कर लेना होगा कुछ इस तरह से उसके बाद आपने फ़ोन के बटन से बैक कर लीजिएगा शुरू में आ जाइएगा जा जा. शुरू में आने के बाद फिर से इस प्लस के सिम्बॉल पर क्लिक कीजिएगा क्लिक करने के बाद आप लोग को फिर से यहाँ से मीडिया वाले सिम्बॉल पर क्लिक कर लीजिएगा उसके बाद आप लोग को फिर से इस एरो पर क्लिक कर लीजिएगा क्लिक करने के बाद आप लोग को अपने फाइल में जाना है चलिए मैं अपने फाइल में जाता हूँ उसके बाद आप लोग को यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा क्लिक करने के बाद मैं इसमें एक चीज़ ऐड करने वाला हूँ तो आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से इस प्लस के सिम्बॉल पर क्लिक कर लीजिएगा क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा देख सकते हैं कुछ इस तरह से उसके बाद आप लोग को यहाँ से इस लेयर पर क्लिक कर लीजिएगा क्लिक करने के बाद आप लोग को ब्लेंडिंग ऑफिसिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा और यहां से आप लोग को लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा उसके बाद स्क्रीन पर क्लिक कर लीजिएगा स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ से एक बार बैक कर लीजिएगा तो बैक करने के बाद वॉल्यूम वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से वॉल्यूम को ज़ीरो कर लीजिएगा उसके बाद यहाँ से बैक कर लीजिएगा बैक करने के बाद इसे ऊपर करके एडजस्ट कर लीजिएगा देख सकते हैं कुछ इस तरह से अगर इसे बड़ा या छोटा करना है तो आप लोग को यहाँ से मूव एंड ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से थर्ड नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा और इसे बढ़ा करके आप बड़ा या छोटा यहाँ से कर सकते हैं देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैं बढ़ा लिया हूँ बढ़ाने के बाद अपने फ़ोन के बटन से बैक कर लीजिएगा बैक करने के बाद अब आप लोग को लास्ट में आ जाना है कुछ इस तरह से लास्ट में आने के बाद अब आप लोग को दोनों लेयर पर बारी बारी से क्लिक करना है चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ क्लिक करने के बाद आप लोग को इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा और बाकी के पार्ट को काट के हटा लीजिएगा उसके बाद इस पर भी क्लिक कीजिएगा और इसे भी काट के हटा लीजिएगा आप जितना सेकंड का वीडियो एडिट करना चाहते हैं उतना सेकंड तक रखिएगा और बाकी के पार्ट को काट के हटा लीजिएगा देख सकते हैं मैंने सारे लेयर को बराबर कर दिया हूँ उसके बाद मैं शुरू में आ जाता हूँ तो गाइज मेरा जो वीडियो था वीडियो का प्रोसेस पूरा तरह तैयार हो चुका है तो मैं चलिए इस वीडियो को एक्सपर्ट करके आप लोगों को प्ले करके दिखा देंगे तो एक्सपर्ट करने के लिए आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा तिर का सिम्बॉल तो इस पर क्लिक कीजिएगा क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा वीडियो पर लगा हुआ टिक तो इस तरह से रहने दीजिएगा उसके बाद आप लोगों को यहाँ से एक्सपर्ट वाले सिम्बॉल पर क्लिक कर लीजिएगा तो वीडियो एक्सपर्ट होना स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे यहाँ पे आप लोगों को हंड्रेड परसेंट होने देना है तो आप लोगों को सेव का ऑप्शन मिल जाएगा तो सिंपल से सेव पे क्लिक कर लीजिएगा तो वीडियो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर लीजिए और चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए तो आज के लिए इतना ही तब तक के लिए बाय बाय